ਕੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂ ਅੰਗੂਠਾ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ये बंदा जो था ना ये पूरे गांव में सबसे सेहतमंद आदमी होता था ये और कोई भी काम होता था ऐसा कोई हार्ड वर्क जो है ना जो करना होता था बोलते थे उसको बुला के लाओ शुगर ने चलाते रहो ना तो कमी नहीं है तो मैं बोलते यार थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है अभी एक खेतों में पाइप देखी थी ना कीचड़ से बढ़ रहा था अच्छा कीचड़ कहाँ आ रहा है ये कुदरती शबनम है ये ये आगे गन्ने आ गए ये गन्ने अपने ही हैं सारे चलो भाई चलो गन्ने तो पतले हैं अरे यार तैयार काम है ये वो आ गया ये देखते हो ना ये तो बहुत पतला है कटाई होने वाली है 10 दिन बाद फिर मिल चल जाएगी हो रहा है पतले 10 दिन के बस फर्क पड़ जाता है भाई अभी क्या है 10 दिन बहुत होते हैं कितनी हाइट है बंदा 10-12 फीट का करना है खेतों में हाँ भाई इधर रुकना ये इसका बंद बंद वाला बटन नहीं है किल स्विच नहीं किल तो किल नहीं होता चिल होता है ये नहीं भाई घुस गया भाई कमेंट्री भी कर ना साथ ये आपका जिससे आपकी चीनी तैयार होती है हाँ चले अंदर ही ये शुरू में तुम्हें रखा इन्हें खेतों जी बीज है तुम्हारे बचपन में भी हम लोग आते थे ना इन्हीं खेतों में ये कमाल लगता था अभी भी अच्छा यहाँ असल में हाँ तो गन्ना जिधर लग जाए तो फिर उधर फिर उसको तो फसल हो जाती है ये उठा के लगाते हैं गंदम करते हैं नहीं दो तीन साल बाद इसको काट के दोबारा फ्रेश भी करते हैं ये जमीन जो है ना ये नीचे है जब पानी की रफ्तार है ना वो जमीन की तरफ ज्यादा आती है और ये पानी जल्दी भरता है पानी पैदावार ज्यादा है और जमीन की जो है ना वो जमीन जमीन मिट्टी का फर्क होता है इसकी मिट्टी के फर्क की वजह से इसकी और ज्यादा आती है अब ये माशाल्लाह जितना ये इतना कद ये गन्ना निकाल के खड़ा हुआ है ना शायद आपको आसपास की जमीनों में इतने कद में गन्ना ना मिले हाँ। अगर आप इसमें नीचे चले जाएंगे तो ये गन्ना शायद आपकी हाइट हाँ, नीचे काफी नीचे ये जमीन नीचे है यहाँ पर इशू ये रहता है कि जैसे पानी आते है ना नहर का तो उसके साथ मिट्टी आती है और जब जमीनों में मिट्टी चले जाती है तो फिर उस मिट्टी को कुछ टाइम के बाद उठाना पड़ता है तब जाके वो जमीन नीचे होती है ताकि पानी उसको आसानी से लग सके इस वजह से जो है ना ये मट्टी यहाँ मट्टी उठाने में 10-15 साल भी मट्टी उठाते हैं वरना ऊँचे खेतों में 2-3 साल के बाद वो खर्चा भी करना पड़ता है
नहीं माया बाहर होने मुर्दा लगे और डिगिया है थोड़ी कितना यार कितने तोड़ना है एक पीस बहुत है कितना तो एक तो बाबू की तरह लगा रहेगा मैं तो वैसे ही दांत दांत मेरे हिल रहे हैं यार तुम देना काट काट के चील के देना मैं खा लूंगा क्या बनाएगा इसका बिल्कुल सही मौसम में आया आप लोग ने थोड़ा ठंडी है नरा रखी बेहतरीन मौसम है सर्दी हो तो इस टाइम पर आप चादर वादर ओढ़ के और खड़ा नहीं हो जाता बड़े इतना हैंडल टेढ़ा तेरा टेढ़ा टेढ़ा हाँ टेढ़ा ऐसे करो सीधा करो हाँ अब क्या लग रहा है टेढ़ा तो टेढ़ा करके रखोगे तो टेढ़ा ही होगा मैं तो चलाते हुए हैंडल छोड़ देता हूँ सीधी चलती है बाइक अभी क्या खाया उनके मेट्री में था बाबा जी गन्ना छाड़ दो उसे खुद ही बढ़ा सर गन्ना चुपेगा करना करना गया यार वो छील के मुझे भी दे मीठा है वो ठीक है बस ज्यादा बेची ना कर रही बंद कर रहे वही बटन होते हैं ये बग नहीं होगी स्टैंड सही वो कोता भी कैप्चर कर जल्दी है कार है वो कौन सा हां अंदर प्रिया नहीं आ रहे आ रहा है निकल भाई हद है जान है ना बन को पूरा पंखा और चल ही जा गन्ना तोड़ के लिया दे कितना ओ सामने नहीं बा मैं नहीं आया आगे भी आगे भी की आगे के दिन तेरी धुंधली वाड़ जुर्माना पड़ूंगा पिछे दाल फड़ी चल पानी गहरा है इधर है चार फुट पानी है वहां पर गहरा है बहुत आई कोई ऐसे उठा के देखे निकल गए पैर वाली निकल गई अबे पांव के नीचे भी आ जाती है ना ऐसे गुड डैड गुड डैड पापलेट पापलेट ये वो नस्ल दी
ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅਲਾਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆ ਹਨਾ ਅੱਧ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫੜ ਦਵਾ ਨਾ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਪਾਚ ਕਾ ਲੈ ਮਾਮੂ ਪਾਚ ਕਾ ਨਾ ਛਟੋ ਲਾ ਤੋ ਦੇ ਦੇ रोड़ा पावे वजन तक कर लाओ जोर से पेगो जोर से दोनों पालो दोनों पाल ओ नो देखो देखो और आ गई बस हो गया भाई दो पकड़ ली बहुत है नहीं खाने वाले बहुत है अरे इतने सब खुद पकड़ेंगे आके जिसको खाना है खुद पकड़ो भाई हमने मेहनत कराई है नहीं दो मछलियां हो गई जो पकड़ रहे हैं उनके लिए काफी है फिर तुम बाहर रहने सही नहीं नहीं मैं थोड़ी खा रहा हूँ मछली बड़ी बड़ी मछली छाड़ मारी मैं कौन बड़ी वाली है भाई 5 किलो 5 किलो और 6 किलो वाला दाना है इसके ऊपर हाथ नहीं रखो वरना वो हाथ तुम्हारा अंदर आएगा नहीं नहीं यहाँ रख रहा हूँ ना अरे पिछला बार तार रखी कुरड़ा ना हो छालना मारे भाई नहीं क्यों धूप से नजर ही नहीं आता कुछ छोटी सी ना पहले बड़ी बाच लगी है मुझे लगा ऊपर हाथ मार के लिया सारा ओ ना खिंच जाल ना खिंच जाल ना यार नहीं खिंच जाल आ देखता आ की चीज है ओ इन चकला जालू बाद पीछे फसी है मछली ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੱਛੀ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਕਰੇ ਮਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ किलो वाला दाना आया भाई ये दो आई है वेरी गुड यार पिछली साइड पे और है जाल में पीछे पीछे ये देख ओ ये जाल से निकल ये रे यार ये यार 3 पीस है अबे निकल जाएगी जाल से वो पकड़ के हाँ पकड़ लो फौरन चले बाइक स्टार्ट कर बूम 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 तुम छोड़ के आओगे मुझे छः सात हो गई ना बहुत है चले भाई बहुत हो गई 5-6 किलो हो गए हुए है ना आखिर जाल से ही बात बनी दुनिया तो मछियां अपन वक्त बात है नहीं बस बहुत हो गया अभी भाई निकल गई अभी निकल गई जो पीले सी 12 बज गए भाई नमाज का टाइम है 2 खड़ियां थी एक दो सी जाल सही है फर्स्ट क्लास गुड एट ये जाल अच्छा लगा ये मस्त वाला जाल लगा ये कहां पकाओगे चले बाबा जा देंगे पकाई है ना चलो तवा मंगवा के कम तोल
ये बंदा एक्सपर्ट सारे एक्सपर्ट नहीं, असल में इसको आइडिया हो जाता है ना कि मछली गुजर रही है ना, करीब से भी गुजरेगी इसको पता चल जाएगा पाँव पे पानी आता है, तो उसी हिसाब से ना जाल घुमाते रहते हैं। चलिए बस आ जाओ, चलो चलो जी, चलो चलो भाई चलो, आ जाए। चलें बस बस हो गई, और क्या, अभी देख लें और कोई तो नहीं फंसी जाल में। अभी जाल से हमें कितना हुआ होगा, एक घंटा तो नहीं हुआ होगा, एक घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया जो सुबह से बैठे कितने वैसे आए हुए 8 बजे से, 3 घंटे हमने वैसे ही कुंडे में खजाए किए, और भी आधे 1.5 घंटे में हमने सारा सब समेट लिया। ये भी यूएस में भागोगे, लेकिन कुंडे से पकड़ने का एक अलग मजा है। आ जाए, आती रहे ना घंटे बाद, चलो एक तो नहीं घंटे नहीं, अगर 15 मिनट पे आ जाए ना, 15 मिनट पे 20 मिनट पे आती रहे तो बंदा बैठा रहता फिर, लेकिन अभी 3 घंटे में नहीं आई है, एक भी नहीं आई तो क्या करे। दो मछलियां अपने घर ले, चलो भाई चलो, कपड़े चक्के ना, अच्छा जा चलो, चलो ठीक और पकड़ ले क्या, एक उस तरफ को घुमा के, उस तरफ को घुमा के वहां से बाहर आ जाए।